हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर नहीं थम रहा है। जिला कांगड़ा में बीती रात भी भारी बारिश हुई। जसिमपुर के हलेड़ गांव में मंगलवार रात को एक बार फिर बारिश ने तबाही मचाई। यहां हलेड़ खड का बहाव रात को फिर बाजार की तरफ मुड़ गया। खड ने रौद्र रूप सड़क पर दिखाया। हलेड़ बाजार की सभी दुकानों में कई फीट तक पानी भर गया और इसके अलावा सुरेंद्र, गप्पू और रंगील चंद की कच्ची दुकानें भी गिर गई। बाढ़ में 3 दुकानें और गिर गई। अभी लोग और दुकानदार शुक्रवार रात को आई बाढ़ की इकट्ठा हुई गाद को हटा ही पाए थे कि दोबारा फिर दुकानों और घरों में पानी के साथ गाद जमा हो गया। प्रशासन की तरफ से SDM अपराजित चंदेल, तहसीलदार अभिषेक भास्कर और XINR के धीमान रात को ही मौके पर पहुंच गए थे। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। करीब 12 बजे तक सभी को शांत किया गया। सुबह लोग फिर अपनी दुकानों और घरों से पानी और मलबा हटाने में जुट गए। स्थानीय निवासी सतीश शर्मा, पंकज शर्मा, रंगीला चंद, जगदीश, गप्पू, तरुण, सुरेश, नरेश आदि का कहना है कि प्रशासन को इसका स्थानीय हल निकालना चाहिए। लोगों का कहना है कि पुलिया के स्पेन को चौड़ा किया जाए ताकि खड अपने रूट पर आसानी से बह सके। बुधवार सुबह लोगों ने सरकार और प्रशासन से अपना रोष जताने के लिए सड़क मार्ग बंद कर दिया, जिससे वाहनों की आवाजाही बंद हो गई और साथ ही लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बाढ़ में प्रभावित लोग राहत की मांग कर रहे हैं और बार बार इस तरह खड के पानी के खौफ में नहीं जी सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।